उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मजदूरों की मौत के मामले में भेजे गए विसरा की रिपोर्ट आ चुकी है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि भेजे गए सभी 12 सैंपलों में एथेनॉल और मेथेनॉल की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार विसरा में एल्कोहल और जहरीला तत्व पाया गया, जिससे मजदूरों की मौत हुई थी। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से उज्जैन में 12 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां एसपी मनोज सिंह को हटा दिया था, वहीं लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी मामला दर्ज किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत परीक्षण के लिए 12 सैंपल भेजे गए थे, 12 व्यक्तियों के भेजे गए थे और वो सभी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। उसमें एथेनॉल और मेथेनॉल में नमक पदार्थ, जो एल्कोहल और मेथेनॉल भी एक उसी की क्वालिटी, और मेथेनॉल थोड़ा जहरीला होता है, वो आ गया है और उसकी पुष्टि FSL के रिपोर्ट में हुई है। नहीं देखिए, उसमें पहले से ही ये बात थी कि जो जहरीली शराब है उसके कारण इसकी मृत्यु हुई है और इसकी पुष्टि FSL रिपोर्ट से हो गई। बाकी कार्रवाइयां तो लगातार चल ही रही हैं। उज्जैन से कमलेश जाटवा की रिपोर्ट।